हॉकी चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब टीम्स का शानदार मार्च पास्ट, फनकारों की परफॉर्मेंसेस, मलकू के गानों पर खिलाड़ियों ने भंगड़े डाले। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान जावेद से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पहली कायदे आजम इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप का आगाज होने जा रहा है, जिसमें नौ डिवीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की फास्ट टीम को 3 लाख रनर आपको 2 लाख, तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 1 लाख की नामी रकम भी दी जाएगी। वहीं हॉकी की बहाली के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने अहम फैसले भी किए हैं। हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हॉकी एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी ऐलान किया है। वहीं इंटरनेशनल स्तर की हॉकी अकेडमी बनाने का भी ऐलान करते हुए पाकिस्तान को हॉकी का खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने में हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर अपना किरदार निभाने की स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने आज यहां पर बकायदा ऐलान किया है, जिस मौके पर जो है वजीर शेरजाद मोर बट्टी और डीजी स्पोर्ट्स अदनान अरशद ओलख भी मौजूद थे। जी जी अरसलान जावेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।